नेहा धूपिया ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत बोल्ड एक्ट्रेस के तौर पर की थी। कई फिल्मों में नेहा की बोल्डनेस ने सुर्खियां भी बटोरी, लेकिन धीरे धीरे नेहा फिल्मों में दिखनी बंद हो गई और अब तो वो बॉलीवुड से लगभग बाहर ही हो चुकी हैं। पिछले साल नेहा अपने टॉक शो की वजह से सुर्खियों में रही थी, लेकिन इन दिनों वो क्या कर रही है ये किसी को नहीं पता। हाल ही में एक इवेंट में पहुंची नेहा से जब पूछा गया कि क्या वो बेरोजगार हो गई है, तो इस पर नेहा ने जवाब देते हुए कहा कि अभी उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। नेहा ने कहा, अगर कोई एक्टर कमर्शियल फिल्म नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके पास काम नहीं है। मैं बेहद बिजी हूँ। कुछ बड़े सेलिब्रिटी अगर फिल्म में नहीं दिखाई दे रहे हैं तो वो अपनी फुटबॉल टीम में बिजी हैं। उनके अपने बिजनेस भी हैं। एक्ट्रेस अगर फिल्म नहीं कर रही है तो उनके पास अपने एड्स हैं, वो टीवी कर रही है। सारे अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। नेहा ने ये भी बताया कि उन्हें ऑफर तो कई फिल्मों के मिल रहे हैं, लेकिन वो उन्हें साइन नहीं करना चाहती। नेहा ने कहा, आप हमेशा ये उम्मीद लगाए रहते हैं कि आपको किसी बड़े फिल्म मेकर की फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा। मुझे कई ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट उनमें नहीं है। अच्छा सिनेमा ही मुझ में रुचि जगाता है, जैसे कि दंगल, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं इस फिल्म में कहीं फिट नहीं बैठती। वेल, नेहा की बातों से तो लगता है कि अब वो बॉलीवुड में शायद ही एज एन एक्ट्रेस नजर आ पाएंगी, क्योंकि नेहा को बड़ी फिल्में मिलती नहीं और छोटी फिल्में वो करना नहीं चाहती। हालांकि टीवी पर नेहा का फ्यूचर काफी ब्राइट हो सकता है, क्योंकि उनके टॉक शो को जिसने भी देखा उसे नेहा का अंदाज जरूर पसंद आया।